प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार को कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए। देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। डॉक्टर्स के अनुसार एक कोरोना संक्रमित 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना करना भी अति आवश्यक है। वैक्सीन से ज्यादा कारगर अगर कोई चीज है तो वो है मास्क। मास्क लगाना वैक्सीन लगाने के बाद भी जरूरी है, तो मास्क लगा के रहें, बार बार हाथों को धोएं, दो गज की दूरी बना के रखें, अनावश्यक रूप से भीड़ में इकट्ठा नहीं हो। और मैं अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की अपील पे ये जो गत दिवाली थी, एक भी फटाखा नहीं छोड़ा किसी ने, बहुत संयम के साथ त्योहार मनाया। जब मुसीबत का दौर होता है तो आदमी को संयम से, अनुशासन से, अगर सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए व्यवहार करे तो निश्चित रूप से मदद मिलती है संक्रमण को रोकने में। अब जो होली आ रही है या जो भी मेले आ रहे हैं प्रदेश